अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फाइव, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस्लामियात का आपने बाब दोम का जो सेकंड टर्म में पढ़ना है वो अलीफ मानियात में से सबक नंबर दो ख़त्म नबोतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम पढ़ना है और बे इबादात में से ज़ुकात का चैप्टर पढ़ना है। तो वन बाई वन इसकी रीडिंग करते हैं। ख़त्म नबूवत और अदात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे। सब अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया। सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह खातम नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम खातम नबीजीन हैं। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम के बाद रिसालत या नबूवत का दावा करेगा वो झूठा और दायरा इस्लाम से खारिज है। इसी को अकीदे ख़त्म नबूवत कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मकाना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलल्लाह व खातम नबीजीन वकान अल्लाह बिकुल शैइन अलीम। तर्जमा, मोहम्मद रसूलल्लाह खातम नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के पैगम्बर और खातम नबीजीन यानी सिलसिले नबूवत को ख़त्म कर देने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले के तमाम अम्बिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने घर बनाया, इसमें हर तरह की जीनत पैदा की, लेकिन एक कोने में कीट की जगह छूट गई। अब तमाम लोग आते हैं और मकान को चारों तरफ से घूमकर देखते हैं और ताजुब में पड़ जाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों न रखी गई। तो मैं ही वो ईंट हूँ और मैं खातम नबीजीन हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम पर आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम की सीरत तैयबा कुरान मजीद की अमली तफसीर है। अल्लाह ताला ने कुरान सुन्नत को महफूज फरमाया। आप क़यामत तक किसी और नबी या रसूल की ज़रूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम पर दीन इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल कर दिया गया है, इसलिए इंसानों की कामयाबी निजात का वाहिद रास्ता कुरान मजीद पर अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम की अतात है। अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम। अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम ने मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम के अहकाम की पैरवी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, और जिसने रसूल की अतात की तो इसने अल्लाह की अतात की। कुरान मजीद की नायात से वाज़ह होता है कि जो शख्स अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा चाहता है इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम की पैरवी नागुज़ीर है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम ने जिन कामों का हुक्म दिया है उन पर अमल करे और जिन कामों से मना किया है उनसे रुक जाए। कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम की उस्वा को बेहतरीन नमूना करार दिया गया है। इरशाद रबानी है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। फरमान इलाही, और जो चीज़ तुमको पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे बाज रहो। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम की अहमियत। सुन्नत के मानी तरीके के हैं। सुन्नत नबवी से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम का ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में खाने पीने, उठने बैठने, गुफ्तगू करने, लेन देन और इबादत में जो तरीका इख्तियार किया है वह सुन्नत में शामिल है। दीन में सुन्नत की बुनियादी हैसियत है और ये इस्लामी शरीयत का अहम माखज़ है। सुन्नत को जानने बगैर कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना मुमकिन नहीं, जैसे कि कुरान मजीद में नमाज, रोज़ा, ज़कात और जहाद की फर्जियत का जिक्र है, लेकिन इनकी तफसील और तरीका सुन्नत नबवी से मालूम होता है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम के उसवा हसना को तमाम अहले ईमान के लिए नमूना करार दिया गया है। हमें अमली ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम की अतात फरमाबरदारी करनी चाहिए। हर काम की अंजामदेही में सुन्नत नबवी से रहनुमाई लेनी चाहिए ताकि हमें अल्लाह ताला की रज़ा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो सके। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। में सबक जो आपने पढ़ना है वह ज़कात। ज़कात का तारुफ़। ज़कात के मानी है पाक होना और बढ़ना। ज़कात से मुराद वो माल है
جو عاقل بالغ اور صاحب نصاب مسلمان پر سال گزرنے کے بعد ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے۔ نصاب زکوٰۃ سے مراد مال کی وہ مقدار ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسلام کے مقرر کردہ نصاب زکوٰۃ میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے برابر نقد رقم۔ مزید جانیے، مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مستحق لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے کا حق ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، ترجمہ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک افضل عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تجارت بھی ہے جس میں انسان کے لیے بہت فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد اور معاشرتی اثرات۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اصل حقدار ہی کو ملے۔ جب معاشرے میں موجود تمام افراد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ باعزت شہری کے طور پر معاشرتی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے کام کریں گے۔ یوں پورا معاشرہ خوشحال اور مستحکم ہوگا۔ یہ آپ نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اس کی، اور یہ آپ کا باب اول کے 2 چیپٹرز ہیں جو آپ نے سیکنڈ ٹرم میں پڑھنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔